नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको अंगरखा स्टाइल में पट्टी लगाने का सही तरीका। पट्टी लगाकर हमने डिजाइन बनाना है। सबसे पहले हम गला कटिंग कर लेते हैं। तो हमने स्वीट हार्ट गला कटिंग करना है, उसके लिए हमने एक 3 इंच का निशान इधर लगाना है, एक 3 इंच का निशान ऊपर लगाना है, और इसको हमने बिल्कुल सीधा निशान इस तरीके से लगा देना है। अब हमने क्या करना है कि एक निशान यहाँ पे लगाना है, और यहाँ से हमने 1.5 इंच के ऊपर एक निशान ऐसे लगाना है, और ये हम इस तरीके से इस शेप में गला कटिंग कर लेते हैं। गले की जो डीप है, जैसे 7.5 इंच है, तो हम 8 इंच रखेंगे। 8 इंच पे निशान लगा के हम ये गला कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये गला स्वीट हार्ट शेप में कटिंग हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, गला बनाने के लिए जो हमने अंगरखा स्टाइल में पट्टी लगानी है, वो हमारी इस तरीके से लगेगी दोस्तों। ऐसे यहाँ से इधर जाएगी, और यहाँ से हमने नीचे लगानी है। इस तरीके से हमारा अंगरखा स्टाइल बनेगा। उसके लिए हमने एक पट्टी तैयार की है। ये 2.5 इंच चौड़ी, 2.25 इंच चौड़ी पट्टी लेते हैं, और उसको इस तरीके से फोल्ड करके तैयार कर लेते हैं। ये इसी तरीके से मैंने तैयार कर लिया पट्टी पेपर फीड लगाकर। ये पेपर पेस्टिंग है, उसके ऊपर हमने कपड़ा चिपका के और ये पट्टी इस तरीके से तैयार कर लिया दोस्तों। अब मैं मशीन पे इसको लगा के बताऊंगा और गला बना के दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले दोस्तों हमने कपड़ा लेना है, और उस कपड़े को इस गला कपड़े के ऊपर रख के इस शेप में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ हम बराबर में से कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम इस गले की जड़ाई कर लेते हैं अंदर की साइड से, आधा पैर या एक पैर छोड़कर इस तरीके से। ये हमने पूरी जड़ाई कर लेनी है। ये हमारी गले की जड़ाई हो चुकी है दोस्तों। अब हमने इसके तीनों साइड से आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। कटिंग करने के बाद हम इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, पूरे पीस को फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। हम फोल्ड करते हुए ये सिलाई तीनों तरफ से हमने इस तरीके से लगा लेनी है। ये सेव आ जाएगी दोस्तों। अब हमने इसको जो हमारा फ्रंट है, जो हमने फ्रंट कटिंग किया था, उसके ऊपर सेंटर का निशान लगा के जड़ लेना है। और सेंटर का निशान लगाने के लिए हम पहले कट लगाते हैं। इस तरीके से इसमें गले में भी हमने कट लगाना है, और इस तरीके से हमने सेंटर वाला पीस नीचे भी हमने नोक का ध्यान रखें कि हमारी नोक वहीं पे आए जहाँ पे हमारा ये बीच का हिस्सा हो। ऐसे सिलाई लगा के हमने पलट लेना है। इसकी कटिंग करनी है दोस्तों, एक पैर छोड़ के, जैसे मैं बताता हूँ आपको हर वीडियो में। सिलाई तक हमने कट लगाना है जहाँ तक हमारी सिलाई है। जहाँ पे भी नोक आती है गले में, वहाँ पे हमने सिलाई तक कटिंग करनी है। ध्यान रहे कि हमारी सिलाई कट ना हो,
इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है अंदर की साइड। ये हमारा अंदर की साइड गला फोल्ड हो गया। अब हमने यहाँ पे ऊपर इसके बॉर्डर आना है, तो इसीलिए हमने पक्की सिलाई लगा ली। ये हमारा स्वीट हार्ट गला बनके तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें डिजाइनिंग देनी है अंगरखा स्टाइल। इसको अंगरखा स्टाइल बनाने के लिए जो मैंने बताया था आपको, एक हमने पट्टी ली है ये वाली, इसको मैंने 1/4 इंच चौड़ी प्रेस से फोल्ड कर लिया है इसको पट्टी को। सबसे पहले हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से पट्टी लगानी है इस तरीके से, जो नोक है वहाँ से शुरू करनी है। यहाँ पे सिलाई लगाते हुए हमने जो नोक बनानी है उसका ध्यान रहे, उसकी शेप बड़ी सुंदर आनी चाहिए। इस तरीके से हमने अंदर की साइड ये कपड़ा फोल्ड किया है और ऐसे हमारी नोक बन जाती है। ये दोस्तों हमारा गला इस तरीके से आ जाएगा। इसमें हमने डबल सिलाई लगा लेनी है इधर। एक हमारी इधर सिलाई होगी, एक इधर। अब हमने एक ये ध्यान रहे कि हमारी ये कितनी बार आती है पट्टी, इसको हमने अंदर की साइड रखना है। तो ये जो एक्स्ट्रा पीस है नीचे का हमारा नज़र आ रहा है, इसको हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने कटिंग किया है, तो जो हमारा इधर से पीस आएगा वो हमारा अब नज़र नहीं आएगा। ये पट्टी लगाने से पहले हमने निशान लगाना है, एक बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। ये हमने स्केल लिया है। हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से जहाँ पे हमारी नोक है गले की, यहाँ से निशान लगाना है इस तरीके से। इस तरीके से हमने ये निशान लगाना है और यहाँ से हमने जो गले की हमारी पट्टी है उससे, ये देखो जो हमारी गले की पट्टी है उसके साथ साथ इस तरीके से यहाँ से निशान लगाना है ऐसे। तो हमारा गला यहाँ पे आएगा, ये जो पट्टी आएगी यहाँ से लगती हुई ऐसे और यहाँ तक आएगी। आप चाहो तो इस निशान को नीचे तक लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको धागे का ज्ञान है तो धागे के सीधे धागे को देखते हुए आप पट्टी नीचे भी उतार सकते हो। तो मैं इस पट्टी को ऊपर से लगाना शुरू करूँगा। हमने यहाँ से शुरुआत करनी है। इधर भी हमने इसी तरीके से नोक बनानी है। एक चीज़ का ध्यान रहे दोस्तों, जैसे हमने ये पट्टी इधर वाली नीचे वाली पट्टी ऊपर चढ़ाई है, तो इसी तरीके से हम इस साइड भी यही पट्टी ऊपर चढ़ाएं।
ये हमने यहाँ पे, यहाँ से हमारी बुकरम आगे नहीं है नीचे की साइड, तो हमने बड़े ही हल्के हाथ से इसमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे भी हमने एक जोंग रखा स्टाइल में नोक बनानी है। ये नोक हमारी इस तरीके से आएगी। जो हमारा निशान लगा था उसके साथ साथ हम ये पट्टी नीचे उतार देते हैं इस तरीके से। ये पट्टी हम नीचे तक लगा देंगे दोस्तों। एक साइड हमने दोस्तों सिलाई पूरी कर दी है, तो इस पट्टी के हमने दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने ये अंगरखा स्टाइल में पीस तैयार कर दिया है दोस्तों। अब मैं आपको इसको दिखाऊंगा पूरा काउंटर पे फैलाकर कि इसकी शेप कैसी है। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये अंगरखा स्टाइल में गला तैयार हो चुका है और ये सूट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी तैयारी करेंगे, बैक साइड बैक वगैरह जोड़ के बाजू वगैरह चढ़ानी है, बाकी ये हमारा फ्रंट साइड कंप्लीट है। दोस्तों ये अंगरखा स्टाइल में हमारा गला तैयार हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।